हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और इसी क्रम में आज की जो वीडियो है वह संबंधित है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि UKPSC का एक मुख्य परीक्षा का परिणाम निकला है और उसकी इंटरव्यू डेट्स भी घोषित हो चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप भविष्य में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप बेहिचक अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आज का मैं आज जो आपको सूचना है अपडेट है वह बताता हूँ। इस जो ये अपडेट है वह 27 मार्च 2019 की है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2017 से 29 सितंबर 2017 तक आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2016 का परीक्षा परिणाम 27 मार्च 2019 को घोषित कर दिया है। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जा रहा है। तो आयोग की वेबसाइट क्या है, www.ukpsc.gov.in। और इसमें जो साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वह मई के महीने में 28 मई 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक किया जाएगा। इस संबंध में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कार्यक्रम के सूचना समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। यहां पर आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक व कट ऑफ मार्क्स की सूचना अंतिम चयन परिणाम के पश्चात प्रदान की जाएगी। ये तो आपका एक नोटिस था। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा नोटिस दिखाना चाहूंगा। तो ये जो दूसरा नोटिस है इसमें लिखा हुआ है कि वही 26 सितंबर 2017 से 29 सितंबर 2017 का जो पेपर है वह पेपर किस किस के लिए किया गया था। जो आपके टोटल पद थे उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद था, पुलिस उपाधीक्षक का, जिला कमांडेंट होमगार्ड, अधीक्षक कारागार, सहायक आयुक्त वित्त विभाग, वित्त अधिकारी सगर, सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर अधिकारी, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1-8, सहायक निबंधन सहकारिता विभाग, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला बचत अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर्स देख सकते हैं जो जो यहाँ पे सफल अभ्यर्थी हैं। इन सभी सफल अभ्यर्थियों को गुरुजी उत्तराखंडी और टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और इंटरव्यू के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो संपादक सूचना लोक निर्माण संपादक है, संपादक के एक पद के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्धि नहीं है। देखिए लोग कहते हैं कंपटीशन है और यहाँ पे जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है इसके लिए कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पद के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है। अब जो तीसरा है वह है सहायक नगर नियोजक, यहाँ पर भी क्या है दो पद के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। जिला सूचना अधिकारी के लिए एक रोल नंबर है और आपका फीचर लेखक सूचना विभाग दूसरा रोल नंबर है। यहाँ पे जो नोट में लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि 28 मई 2019 से 31 मई 2019 तक साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जो भी मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स की सूचना अंतिम चयन परिणाम के पश्चात प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये तो आज की वीडियो थी। यहाँ से हमें एक वीडियो से एक सबक लेने की भी जरूरत है कि जिन पोस्टों के लिए अगर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है वह किसकी कमी है, जो उन्हीं अभ्यर्थियों की कमी है जो उसमें निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।